हेलो स्टूडेंट, अपने लेसन चल रहा था अपने एटॉमिक एटॉमिक थ्योरी चैप्टर नंबर 7, एटॉमिक थ्योरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। इनके अंदर अपने एटॉमिक थ्योरी डाल्टन थ्योरी पढ़ ली थी, थॉमसन मॉडल पढ़ लिया था, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिया था और नील्स बोर का मॉडल अपने बता दिया था आपको। ठीक है, इसके बाद अपने आपको क्लासिफिकेशन कर रहे थे अपने, और मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब अपने एटॉमिक रेडियस आपको बताया था मैंने, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ये वीडियो में सारी चीज़ें बता दी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो अपने दोबारा डिस्कस कर लेंगे। आयनिक रेडियस, इसके बाद आयनिक रेडियस क्या होता है अपने। आयनिक रेडियस कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन है या कोई एलिमेंट्स है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करने के बाद, सोडियम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 281, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो अपने Na प्लस बन गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके साइज़ में क्या डिफरेंट आता है, ये साइज़ पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे अपने। तो साइज़ क्या होता है उसका, स्मॉल हो जाता है Na प्लस, यानी इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 281 है और इसका रह जाएगा 28। एटोमेटिक ये बार वाला आउटर लेयर का 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनेट हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डोनेट हो गया, जिसके कारण इसके साइज़ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिव आयन का क्या होता है हमेशा स्मॉल साइज होता है, और नेगेटिव आयन का हमेशा साइज क्या होता है, बिग होता है, बिगर साइज ऑफ नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन का साइज क्या होता है हमेशा बिग होता है, क्या होता है भी, नेगेटिव आयन का साइज हमेशा बिग होता है, ये आपने ध्यान रखना है। पॉजिटिव आयन का तो साइज स्मॉल होता है, नेगेटिव आयन का बिग होता है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के आउटर लेयर में से, आउटर लेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी दी एनर्जी गिवन आइसोलेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी नेचुरल आयन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गैसेज स्टेट ऑफ द कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। गिवन यानी एक इलेक्ट्रॉन गिव करने के लिए, निकालने के लिए, आइसोलेट द एनर्जी ऑफ गिवन आइसोलेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए नेचुरल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज़ दी मेजरमेंट ऑफ द कैलोरी मोल ऑफ किलो जूल मोल है, इलेक्ट्रॉन वोल मोल। ठीक है, अब क्या होता है, नेचुरल एटम होता है उसमें से आयनाइजेशन एनर्जी निकलते हैं तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो अपने जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपने निकालेंगे एनर्जी ज़्यादा आवश्यकता होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कम एनर्जी चाहिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, फर्स्ट एंथैल्पी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड, ये देखो एनर्जी बढ़ रही है ना इनकी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन नेचुरल आयन गेन करेगा, जैसे कोई अपने यहाँ तो क्या था, डोनेट की था, यहाँ पे जैसे एन ए प्लस है अपने पास, एक इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये एन ए न्यूट्रल बना लेगा, तो इसका साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, इस प्रकार फ्री एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। इस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो यहाँ एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपने, एक जैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव है कोई भी है, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जो अपने को चाहिए ना एनर्जी, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अपने लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा बढ़ती है, यानी इंक्रीज होती है। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर ई एन को क्या कहते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरिन की होती है। ठीक है, इसमें फ्लोरिन की सबसे ज़्यादा होती है, ये पूछी जाती है। अब इसके बाद है वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस सेल में जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो ऑक्टेन रूल अपने पढ़ा था, ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, जब उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है वो उसके पास वैलेंसी आ जाती है ऑक्टेन रूल के, वो 8 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो वो डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, तो उसके क्या हो जाएगा, अपने जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, या डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
ये उसकी वैलेंसी आ जाए। जैसे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने पढ़ते हैं, फर्स्ट एस ब्लॉक के एलिमेंट है सब पे प्लस वन आता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसी प्रकार दूसरे एल्कली मेटल, एल्कली सोयल मेटल में अपने देखते हैं तो प्लस टू आ जाता है। पी ब्लॉक में प्लस थ्री प्लस फोर इस प्रकार आता है, माइनस थ्री भी आ जाता है, माइनस फोर भी आ जाता है, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, फोर से ज़्यादा हो जाए, तो माइनस आने स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले प्लस आते हैं, ठीक है, ये वैलेंसी आएगी। इसके बाद दे रखा आपको एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज अपने एटॉमिक रेडियाई पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे यानी अप टू डाउन जाते हैं, ये पीरियोडिक टेबल मान लो अपने, ये पीरियोडिक टेबल है, उसमें अप टू डाउन जाते हैं तो क्या साइज इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है, बस इतना ध्यान रखें। कोवलेंट रेडियस, कोवलेंट बॉन्ड होता है जैसे, तो उसको अपने कोवलेंट रेडियस कहते हैं। जैसे बॉन्ड बनता है दो एलिमेंट्स के अंदर, जो बॉन्ड बनता है सम टू सम एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर दी कोवलेंटली बॉन्डेड, द हाफ एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द न्यूक्लियस बोथ ऑफ एटम ऑफ कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। वंडरवाल रेडियस ये सबसे वीक होती है, ठीक है, ये दो अलग अलग जो हीलियम वगैरह होती हैं, जीरो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर पाई जाती है, जीरो एलिमेंट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। मेटेलिंग एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, मेटेलिक कौन से होते हैं? जो धात्विक होते हैं, और नॉन मेटेलिक जो गैसेज वगैरह होती हैं उनको नॉन मेटेलिक, मेटल में आ जाते हैं जैसे फेरस होया, ये वाले सारे के आयरन वगैरह ये आ जाते हैं, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में अपने को दे रखी है, सारी चीज़ें दे दी इसमें, ठीक है। नॉन मेटेलिक करेक्टर इधर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है अपने, नॉन मेटल सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक में होते हैं, इधर मेटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है, ठीक है। ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज रेडियस दोनों बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस इधर जाने पे कम होती है। ये चीज़ें सारी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को दे रखा है, ठीक है। जैसे इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एट फर्स्ट ऑफ डाल्टन गेव एटॉमिक थ्योरी, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल ऑफ द गिवन थॉमसन अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इसके बारे में बताया था, नील्स बोर ने बताया था इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑफ द न्यूक्लियस ऑर्बिट एंड फिक्स एनर्जी, यानी ऑर्बिट के बारे में किसने बताया था? नील्स बोर ने बताया था। द क्लासिफिकेशन एलिमेंट वर्ल्ड डन ऑफ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। द इनेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, डेबेरियर्स ट्रेड थ्योरी, न्यूलैंड्स ऑक्टेन रूल हो गया, ये सारे रूल बताए थे, जो किसने बताए थे? पहले डायबेरियर आया था, फिर न्यूलैंड का ऑक्टेन रूल आ गया था, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दी मेंडलीफ आ गया, फिर मोजले आया, इसने एटॉमिक मास के आधार पे बताया था, और जो मेंडलीफ ने एटॉमिक नंबर के आधार पे बताया था, मोजले ने किसने बताया था? एटॉमिक नंबर के आधार पे बताया था। ये याद रखने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे याद रखने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियोडिक होती है और 18 ग्रुप होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। प्रॉपर्टी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बताई जाती है। ये लेसन अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेटेलिक एंड नॉन प्रॉपर्टी ये अपने को बताई दिया, डिपेंड ऑफ साइज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जिसका साइज स्मॉल होता है वो नॉन मेटल ही होते हैं लगभग, गैसेज वगैरह। अब अपने इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे कल, ओके। ये लेसन भी अपना कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू।